हेलो फ्रेंड्स, मैं यानी अन्नू कुमार एक बार फिर आपके साथ हूँ एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आपके साथ आया हूँ। सीटेट 2018 की परीक्षा अभी 9 दिसंबर को होने वाली है, सो पेपर अभी पास में ही है। एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लोग हमारे नेक्स्ट अपडेट्स, जो 68,569 भर्ती हो चुकी है और KVS की भी नेक्स्ट अपडेट्स मैं लेकर आऊँगा, एनवायरनमेंट साइंस सभी अपडेट्स लेकर आता रहूँगा, वो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के कुछ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, पेपर बहुत नज़दीक है, पास में ही है पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुख एक लैंग्वेज है, कहाँ के लोगों की भाषा है? ये झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की है। ओराव जनजाति, ओराव जनजाति रहती है इन राज्यों में, ओराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है कुडुख भाषा। सो कुडुख भाषा कहाँ के राज्यों में बोली जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है उसकी? अम्लीय। अमाशय रस क्या किस लिए क्या सहायक किस में सहायक है? अमाशय रस किस में क्या किस में सहायक है, क्या वर्क है अमाशय रस का? सो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोजन पाचन में सहायता करता है अमाशय रस, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, स्टेट के TET और CTET में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। घटपर्णी पौधा, निफेन्थिस है ये घटपर्णी पौधा, क्या होता है ये? सो घटपर्णी पौधा जो निफेन्थिस होता है, निफेन्थिस इंग्लिश टर्म है इसकी, इंग्लिश वर्जन है इसका निफेन्थिस, घटपर्णी पौधा। ये होता है मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। निफेन्थिस होता है जो घटपर्णी पौधा है, एक तरीके का पौधा है ये, मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। ये किसकी कमी से? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी को पूर्त नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए क्या करता है ये पौधा? मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है एवं इसका वैज्ञानिक नाम भी बताओ। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। आंसर है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्यूरीज, वैज्ञानिक नाम है क्यूरीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TET में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा एवं टीन, तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा, एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पे ये? आंध्र प्रदेश, अभी ये तेलंगाना में है। पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य में था ये पहले, लेकिन अब तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन कैसे पदार्थ हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन हमें हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, आवश्यक है विटामिन, जो हमें हिंताजन्य रोगों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर एट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी UPPCS में भी पूछा गया है, UPPCS में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन, ग्रीन गोल्ड कहाँ कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? वनों के महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, जो ट्रीज की इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस के कारण इसको क्या कहा जाता है? ट्रीज की इम्पोर्टेंस के कारण इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। सो ये ग्रीन गोल्ड टर्म आई है वनों की इम्पोर्टेंस, वनों की महत्व की वजह से जो टर्म दी गई है वो है ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का अपमर्जक
पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु एवं कवक। पृथ्वी के जो अपमार्जक कहे जाते हैं वो हैं जीवाणु एवं कवक। काफ़ी बार डीकम्पोजर्स कहा जाता है जिनको, जो अपमार्जक है कौन कौन है? जीवाणु एवं कवक। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 5 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब का राजकीय पशु है ब्लैक बक। पंजाब का राजकीय पशु है ब्लैक बक। क्वेश्चन नंबर 13, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन अभी इसको यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस में ये पूछा गया था, मैच में पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2018 में अभी इसको पूछा गया है। दचीग्राम मैच करना था, बताना था किसके लिए फेमस है। हंगुल, जो स्टेक पाया जाता है हिरन, उसको हंगुल कहा जाता है। वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। दचीग्राम नेशनल पार्क जो है हंगुल के लिए फेमस है, हंगुल हिरन है जो उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बन्नेर घाट राष्ट्रीय पार्क किस किस लिए प्रसिद्ध है? बन्नेर घाट राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाइज। तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 भी। साइबेरियन क्रेन सर्दियों में किस पक्षी विहार में रुकते हैं? घाना, राजस्थान का है, घाना पक्षी विहार है ये। घाना पक्षी विहार में राजस्थान में साइबेरियन क्रेन सर्दियों में रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गुजरता है, चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? तलचर से पारादीप। ब्राह्मणी नदी से इसका जो रूट है ब्राह्मणी नदी से जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4 हैं, जैसे गंगा से रिलेटेड है पहला। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गुजरता है तलचर से पारादीप, ब्राह्मणी नदी। देश का सबसे छोटा राजमार्ग है, ये अभी पुराना है लेकिन नया चेंज हो गया है। देश का सबसे छोटा राजमार्ग है NH-47A या NH-96, 1966B। सबसे छोटा राजमार्ग है NH-47, NH-47A या NH-1966 या 966B। ये कहाँ से कहाँ तक है? कुडानूर वेलिंगटन द्वीप केरल, केरल के कुडानूर वेलिंगटन द्वीप में है ये। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था 1996, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, हेली राष्ट्रीय उद्यान, यह ऐसे भी कहा जा सकता है, पूर्व का हेली राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। कमेंट करके बताइए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। जो लोग जुड़े हुए हम हमसे स्टडी कर रहे हैं, सीटेट का पेपर देने वाले हैं अभी जो कैंडिडेट, तो लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, गुनगुन का भार 44 kg है, 54 किलो है, चांद पर उसका भार होगा, चांद पर भाग क्या होता है? 1/6 होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो इसका 1/6 करेंगे तो 56, 54, 9 kg आ जाएगा ये इसका, 9 kg आंसर। सो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी यूपी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा या KVS के लिए स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए भी नेक्स्ट अपडेट साइंस EVS और जो करंट अफेयर्स के लिए मैं लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियोज लेकर आऊँगा, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बेल आइकन प्रेस करके रखिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ, वो आपको अच्छे से अच्छे उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ। सो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल सके। और कम पढ़िए और सेलेक्टेड पढ़िए, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पढ़िए। यूपी की जो अभी भर्ती होने वाली है सहायक अध्यापक की, उसमें भी 69,000 पद हैं, और सीटेट के लिए अभी KVS की स्क्रीनिंग होनी है। सो आप पेशेंस बनाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनिंग में भी आपको बेस्ट करना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड बनी रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।